हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। तो चलिए हम इस वीडियो में आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को थोड़ा अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट्स, कि आयोनिक और बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट और बॉन्ड क्या होता है, जिसमें से हम शुरू करने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड से। तो जिसमें हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl। फिर हम लेने वाले हैं एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। फिर हम लेने वाले हैं पोटेशियम फ्लोराइड KF। फिर हम देने वाले हैं एक एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड का स्टूडेंट्स। इतना एग्जांपल हम स्टडी करेंगे आयोनिक बॉन्ड को, उसके बाद हम बाद में और एग्जांपल से पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलिए पहला ये लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं स्टूडेंट। जो हम घर पे सॉल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं, वही है ये चीज, उसी का ये फॉर्मूला है। तो ये दो एलिमेंट से बना है स्टूडेंट्स, एक सोडियम Na जो आप यहाँ पे देखेंगे और एक क्लोरीन Cl जो आप यहाँ पे देखेंगे। तो हमें समझना है कि इन दोनों में जो बॉन्ड बना है स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे से अटैच हुए हैं, तो ये क्यों हुए हैं, आखिर NaCl कैसे बना है स्टूडेंट्स। और सेकेंड टाइम जब हम MgCl2 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो MgCl2 क्यों है यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ Cl क्यों है स्टूडेंट्स, ये चीज हमें समझना है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे KF क्यों है, यहाँ पे CaO क्यों है, यहाँ पे 2 नहीं है, 1 नहीं है, ये सारी चीज क्यों नहीं होते, ये सारी चीज हम यहाँ से पढ़ने वाले। तो सबसे पहले सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर आप देखते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो आपको 11 मिलेगा स्टूडेंट्स। और अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप देखते हो तो आपको 17 मिलेगा स्टूडेंट्स। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको याद होगा, तो 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, तो फर्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर एक बचता है, बिकॉज 8 और 2 10 होता है और 11 है, तो एक इलेक्ट्रॉन और बचता है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर अगर क्लोरीन का देखेंगे तो 17 है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में, फर्स्ट वाले शेल में 2 चला जाएगा, फिर सेकेंड वाले शेल में 8 चला जाएगा, और थर्ड वाले शेल में 8 और 2 10 होता है, 7 बचता है स्टूडेंट्स, तो थर्ड वाले में 7 चला जाएगा स्टूडेंट्स। और फिर अगर इसका हम डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमको पता चलेगा यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, अगर इसके अंदर हम पुट करते स्टूडेंट्स, तो ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसका फर्स्ट शेल है के शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे स्टूडेंट्स। हमने सपोज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया, फिर ये सेकेंड वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो सपोज हमने यहाँ पे सेकेंड वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया, तो ये हो जाएगा 2.8 और 11 होने की वजह से एक और बचता है जो थर्ड ऑर्बिट में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर इसके अंदर स्टूडेंट्स। अगर क्लोरीन में देखेंगे तो फर्स्ट वाले शेल में के शेल में कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल एल में कितना हो जाएगा, 8, तो 8 लिख देते हैं यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं यहाँ पे। और फिर थर्ड वाले में 7 इलेक्ट्रॉन बचता है स्टूडेंट्स, तो थर्ड वाले में 7 ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, 1। और सपोज एक यहाँ पे बना देते 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब ये जो क्लोरीन के 2 एटम है स्टूडेंट्स, ये दोनों अभी फिलहाल एटम है, एक एटम है सोडियम का और एक एटम है क्लोरीन का। अब देखिए, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने आपको रूल बताया था स्टूडेंट्स कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 अगर होता है, तो वो एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, दूसरे को दे देता है। तो सोडियम एटम का काम यहाँ पे यही होगा कि अपने ये 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देगा, और 2.8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लेकर वो नियॉन जैसा बन जाएगा, नोबल गैस जैसा। और इस तरफ अगर आते हैं क्लोरीन में, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, और अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 7 इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, ये चाहता है कि इसे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, और ये चाहता है कि इससे कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो जब इन दोनों का सामना होता है स्टूडेंट्स, सोडियम और क्लोरिन का, तो यहाँ पे दोनों की जो जरूरत है सेम है स्टूडेंट्स, इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। और इसीलिए फिर बाद में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है स्टूडेंट्स।
तो जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को समझना कि अब ये फिर एटम नहीं रह जाता स्टूडेंट्स, ये भी आयन्स बन जाते हैं लोग, कि इनके अंदर एक चार्ज डेवलप हो जाता है स्टूडेंट्स। और वो कौन से चार्ज डेवलप होते हैं स्टूडेंट्स, अब अगर आप न्यूक्लियस में देखोगे तो बाहर अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी कितने स्टूडेंट्स, 11। और इसमें अगर बाहर 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी कितना है, 17। ये 11 प्लस चार्ज है और ये 17 प्लस चार्ज है, ये 11 प्लस है, बाहर भी 11 इलेक्ट्रॉन्स था जो माइनस चार्ज था, तो 11 प्लस चार्ज और 11 माइनस चार्ज, ये क्या हो गया था, न्यूट्रल था स्टूडेंट्स, कोई चार्ज नहीं था, मतलब ये न्यूट्रल था पूरा। लेकिन जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है स्टूडेंट्स, तो अब होता क्या है कि 11 प्लस चार्ज तो रहता ही है कहां पे, न्यूक्लियस में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के जाने के वजह से एक माइनस चार्ज चला जाता है और जिसके वजह से 10 नेगेटिव चार्जेस हो जाता है स्टूडेंट्स इसके अंदर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट हो जाएगा तो एक माइनस चार्ज वहां पे चला जाएगा और फिर बचेगा 10, 2 और 8, तो 10 नेगेटिव चार्जेस रहेंगे और 11 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो 10 नेगेटिव इसके 10 पॉजिटिव के साथ बैलेंस हो जाते हैं और एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है मालूम है, एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से ये बिहेव करता है प्लस के जैसा, हम बोल सकते हैं सोडियम Na प्लस लिख सकते हैं, प्लस वन मतलब एक चार्ज इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है स्टूडेंट्स। और अब जब ये एक चार्ज एक्स्ट्रा होता था हम उसको आयन्स बोलते हैं, और उसमें प्लस वाले को हम कैटायन्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, कैटायन्स, जब वो प्लस होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, कैटायन्स। उसी तरह जब यहाँ पे आएंगे हम क्लोरीन में, तो जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स, तो इसके पास क्या हो जाता है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ पे चला है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अगर आप देखोगे तो 2 फर्स्ट में, 8 सेकेंड में, और 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, थर्ड ऑर्बिट में भी आ जाता है स्टूडेंट्स। तो उसके पहले क्या था कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन के पास 17 पॉजिटिव चार्ज थे, और एक इलेक्ट्रॉन आने से पहले 17 नेगेटिव चार्जेस भी थे स्टूडेंट्स, तो 17 ने 17 को क्या किया था, बैलेंस करके रखा था, तो कोई नेट चार्ज नहीं था, इसके लिए पूरा एटम न्यूट्रल था। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन माइनस वाला जब यहां से इधर आता है स्टूडेंट्स, तो एक एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ जाता है स्टूडेंट्स, मतलब वो 17 नेगेटिव से हटके फिर 18 नेगेटिव हो जाता है स्टूडेंट्स, 18 चार्जेस, और वो इसी की वजह से हुआ क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो माइनस चार्ज था वो इधर आ गया। अब अगर आप फिर से इसको देखोगे तो अब इसके पास सेंटर में मतलब न्यूक्लियस में 17 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन आउटर ऑर्बिट में 18 नेगेटिव चार्जेस हो गया, तो 17 पॉजिटिव सिर्फ 17 नेगेटिव को बैलेंस कर देगा, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट्स, और इसीलिए फिर ये बन जाता है क्लोरीन माइनस चार्ज, और अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, आयन्स बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, और आयन्स में भी इसको एनायन्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, एनायन्स मतलब अगर पॉजिटिव है तो कैटायन्स और अगर नेगेटिव है तो एनायन्स। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे जब ये आयन्स हो जाते हैं तो अब देखिए स्टूडेंट्स, सोडियम पे जो चार्ज डेवलप हुआ है वो प्लस चार्ज हुआ है, और क्लोरीन पे जो चार्ज डेवलप हुआ माइनस चार्ज हुआ है, और ये दोनों भी अपोजिट चार्ज है स्टूडेंट्स, और जैसे ही अपोजिट चार्ज होते हैं इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन आ जाता है, एक खिंचाव आ जाता है एक दूसरे को, और ये दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं और फॉर्म हो जाता है NaCl, और इनके बीच में जो फोर्स है इनके बीच में जो फोर्स बना जिसके वजह से दोनों अटैच हुए स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रॉन ने चार्जेस लिया स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन के चार्जेस से कोई फोर्स डेवलप होता है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और अट्रैक्शन क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को खींच के रखा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्या होता है कि NaCl का जो कंपाउंड है वो फॉर्म होता है स्टूडेंट्स। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, डोनेट और एक्सेप्ट, अगर ये दो चीज होता है स्टूडेंट्स, तो जो अट्रैक्शन इनके बीच में बना है उसको हम बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड का मतलब एक अट्रैक्शन स्टूडेंट्स, बॉन्ड का मतलब और कुछ नहीं है, बॉन्ड का मतलब एक अट्रैक्शन, और इसको एक नाम दिया है आयोनिक बॉन्ड, या इसको एक नाम बोला है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
तो ये एक सिर्फ नाम है स्टूडेंट्स। तो जब भी आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड आप सुनोगे तो आप समझ जाओ कि किसी एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा और एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, और फिर जो कंपाउंड बना होगा उसमें जो बॉन्ड बना होगा उस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और उस कंपाउंड का नाम बन जाएगा आयोनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स, आयोनिक कंपाउंड। क्योंकि हम कोवेलेंट बॉन्ड में जब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो वहां पे डोनेशन और एक्सेप्टेंस नहीं होगा स्टूडेंट्स, वहां पे कुछ शेयरिंग होगा, और इसीलिए उसका नाम अलग कर दिया, बस कोवेलेंट कर दिया। हम इसके बाद देखेंगे, उसके पहले हम MgCl2 देखने वाले स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या दिया, क्या देखा, आयोनिक बॉन्ड का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के गिव एंड टेक होता है स्टूडेंट्स, उसी को एक नाम दिया है आयोनिक बॉन्ड, और बाकी कुछ नहीं। जब भी गिव एंड टेक से बॉन्ड बनेगा तो हम उसको बोलेंगे आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और उस कंपाउंड का नाम आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो एक चीज और स्टूडेंट्स कि आपको एग्जाम में क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए एग्जाम में आपको इस तरीके से बनाना है स्टूडेंट्स। जब आप एग्जाम में बनाओगे तो पहले आप क्या करोगे कि 2, 8 और 1 ये बताओगे, फिर 2, 8 और 7 बताओगे, फिर जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे 2 और 8 बनेगा, वो बचेगा वो यहाँ पे बनाओगे, और फिर यहाँ पे जब एक आ जाएगा तो 2, 8, 8 हो जाएगा स्टूडेंट, ऐसा बनाओगे। मैंने आपको क्या किया, एक ही में दोनों डायग्राम बना दिया स्टूडेंट्स, तो आपको दोनों अलग अलग बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो चलिए हम MgCl2 देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड को, जिसमें जो दो एलिमेंट है उसमें से एक मैग्नीशियम है और एक क्लोरीन है। तो अगर मैग्नीशियम है तो उसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देख देते 12। और अगर क्लोरीन देखेंगे तो फिर से वही चीज है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सेकेंड वाले शेल में 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और थर्ड में एक ही दो बचेगा स्टूडेंट्स, 8, 9, 10, और 12 के लिए 2 बचेगा। तो थर्ड वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा स्टूडेंट्स, सपोज एक यहाँ पे बना दिया और एक यहाँ पे बना दिया स्टूडेंट्स, सपोज करते कहीं पे बना सकते हो। फिर क्लोरीन देखिए स्टूडेंट्स, तो क्लोरीन का 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, तो फर्स्ट वाले में 2 आ जाएगा, सेकेंड वाले में 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो सेकेंड वाले में 8 आ जाएगा, सेकेंड वाले में 8 हो गया, और 8, 9, 10 7 बचता है स्टूडेंट्स, तो थर्ड वाले में 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स। फोर फाइव सिक्स और 7। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कि अब इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपको बताया था कि जब 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है तो वो एटम क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करता है, दूसरों को देने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स। और जब 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा, पर यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है स्टूडेंट्स, पर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, मतलब मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है पर क्लोरीन को तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये कैसे होगा स्टूडेंट्स कि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये तो स्टेबल हो जाएगा 2, 8, 8 होकर, पर ये 2, 8, 1 रह जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इस तरह वो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। तो इसके साथ होता क्या स्टूडेंट्स, तो देखिए ऐसे सिचुएशन में एक क्लोरीन एटम और आ जाता है स्टूडेंट्स, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ये वाले क्लोरीन को, और एक इलेक्ट्रॉन दे देता है वो ये वाले क्लोरीन को। तो इस तरीके से क्या होगा, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों चला जाएगा स्टूडेंट्स, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एक एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट थे, एक इसको मिल जाएगा और एक इसको मिल जाएगा। तो Mg का एक एटम है स्टूडेंट्स, लेकिन क्लोरीन के कितने एटम है, 2 Cl2, और इसके लिए फॉर्मूला है MgCl2। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स की अब अगर हम सेंटर की बात करेंगे स्टूडेंट्स न्यूक्लियस की, तो इसके न्यूक्लियस में अगर इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन कितना था स्टूडेंट्स, प्रोटॉन 12 था स्टूडेंट्स, प्रोटॉन कितना था, प्रोटॉन 12 था स्टूडेंट्स, 12 प्रोटॉन था।
इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना था? 17। और इसके भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना था? 17 था। तो यहाँ पे 12 पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 17 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी 17 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसने किया क्या, इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिया स्टूडेंट्स। जब ये दो इलेक्ट्रॉन दे देता है स्टूडेंट्स, दो इलेक्ट्रॉन, तो Mg ने क्या किया, मैग्नीशियम ने क्या किया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया स्टूडेंट्स। और जब दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा स्टूडेंट्स, तो दो नेगेटिव चार्जेस यहां से हट जाएंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज कितने थे? 12 थे, और इलेक्ट्रॉन भी 12 होने की वजह से नेगेटिव चार्ज भी कितने थे? 12 थे। मतलब 12 माइनस चार्ज थे पहले और 12 पॉजिटिव चार्ज थे, लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो दो माइनस चार्ज भी चला जाएगा। और इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अब कितने रहेंगे यहाँ पे? सिर्फ 10 रहेंगे, और 10 नेगेटिव रहेगा स्टूडेंट्स। तो 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव को बैलेंस करेगा, दो पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो जाएगा स्टूडेंट्स। और जब दो पॉजिटिव एक्स्ट्रा होगा तो हम बोलेंगे Mg2+, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन दिया है और इसके लिए दो पॉजिटिव प्रोटॉन बचेगा, जिसकी वजह से दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, नेट दो पॉजिटिव चार्ज। और सेम टाइम में क्लोरीन जो है स्टूडेंट्स, तो क्लोरीन में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितने थे स्टूडेंट्स? 17 पॉजिटिव चार्ज थे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 17। तो 17 नेगेटिव चार्ज भी थे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से इलेक्ट्रॉन अब 18 हो गए स्टूडेंट्स। तो एक माइनस चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है, और सेम केस यहाँ पे भी होता है, एक माइनस चार्ज यहाँ पे भी एक्स्ट्रा हो जाता है। तो दो माइनस चार्ज हो जाता है, दो माइनस चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है, और जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं क्लोरीन, और 2 माइनस लिख सकते हैं। और दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्ज की वजह से इनके बीच में, दो प्लस चार्ज और दो माइनस चार्ज अपोजिट चार्ज के वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होता है, और जो इन दोनों इन कंपाउंड को होल्ड करके रखता है स्टूडेंट्स, एकदम एक दूसरे को एकदम पकड़ के रखता है, उसको बॉन्ड बोलते हैं, और वो है आयोनिक बॉन्ड, और इस कंपाउंड को बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि MgCl2 का आप डायग्राम के बेस पे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बताइए, तो आपको पहले ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा, फिर जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो फिर ये दो शेल बनाना पड़ेगा, और इसके तीन शेल में 2, 8 और 8 यहाँ पे, और 2, 8 और 8 यहाँ पे करके दो डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक तो ऐसा रहेगा उसका जो ये गिव करेगा स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जिसकी वजह से फिर दो ये न्यूक्लियस हो जाएगा अगर, तो एक शेल और एक शेल जिसके अंदर आप सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ऐसा बताओगे स्टूडेंट्स। और क्योंकि आउटर मोस्ट थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन दोनों भी चला गया, और फिर इसमें आप तीनों बना दोगे, और 2, 8, 8 यहाँ पेगा, 2, 8, 8 यहाँ पेगा, मतलब यहाँ पे 2, 8 रहेगा और यहाँ पे 2, 8, 8 और 2, 8, 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम पोटेशियम फ्लोराइड के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं पोटेशियम फ्लोराइड के लिए, जिसमें जो दो एलिमेंट है, एक पोटेशियम है और एक फ्लोरीन है स्टूडेंट्स। तो पोटेशियम अगर आप देखोगे तो ये है, और जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 19। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 19। और फिर फ्लोरीन अगर देखोगे तो उसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। और 8 और 2 कितना होता है? 10 होता है, लेकिन 19 में 9 बचता है स्टूडेंट्स। तो थर्ड ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं आ सकते स्टूडेंट्स, या तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए, या तो अगर 18 नहीं है तो 8 कंप्लीट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो थर्ड वाले ऑर्बिट में कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। और फिर अब क्या हो रहा है, अब एक ही बच रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो लास्ट वाले ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो सपोज वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर अगर फ्लोरीन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो फ्लोरीन के फर्स्ट और शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं। फिर 9 - 2 करेंगे तो 7 बचता है, तो सेकेंड वाले में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, तो हम सेकेंड वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं स्टूडेंट्स, 4, 5, 6 और 7। तो इसको थर्ड शेल की कोई जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, इसके पास सिर्फ 2 शेल रहेगा स्टूडेंट्स, तो थर्ड शेल हम रिमूव करते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे
कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा, इसकी वैलेंसी भी एक होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं हमने बताया, हमने सीखा है वैलेंसी पीछे स्टूडेंट्स, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, और सेम टाइम में इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेवन इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी है, वन है, तो ये क्या करेगा, इसको ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा स्टूडेंट्स, सेम जो हमने सोडियम क्लोराइड देखा था NaCl, सेम उसकी चीज है ये। तो अब यहाँ पे सेम वही चीज होगा फिर से कि सेंटर में प्रोटॉन्स कितने स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स टोटल 19 है, मतलब 19 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, 9, और 9 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो 19 पॉजिटिव चार्ज है और बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 19 नेगेटिव चार्ज भी है स्टूडेंट्स, लेकिन जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा स्टूडेंट्स, तो एक माइनस चार्ज यहां से चला जाएगा और बचेगा सिर्फ 18 माइनस चार्ज, तो 18 माइनस चार्ज 18 प्लस चार्ज को बैलेंस करेगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बचेगा स्टूडेंट्स, और जिसकी वजह से की बन जाएगा प्लस 1, और फिर इस तरफ क्या होगा कि अभी इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटोन है 9 है, तो 9 पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन भी है, तो 9 नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये बैलेंस हो गया, लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो इसको एक माइनस चार्ज और मिल जाता है स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब आएगा तब जाके क्या होगा, एक माइनस चार्ज और बढ़ेगा, मतलब वो 10 माइनस चार्ज हो जाएगा, तो 9 माइनस चार्ज 9 माइनस प्लस चार्ज को बैलेंस करेगा, तो एक एक्स्ट्रा बन जाएगा स्टूडेंट्स, और एक एक्स्ट्रा होने की वजह से फ्लोरिन के ऊपर जो चार्ज बनेगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं K प्लस और F माइनस, और अपोजिट चार्ज होने की वजह से फिर से इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और जो अट्रैक्शन को हम क्या बोल देंगे, बॉन्ड बोलेंगे, और वही है हमारा आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और फिर इस कंपाउंड को हम बोल देंगे आयोनिक कंपाउंड, तो ये है सिंपल स्टोरी स्टूडेंट्स, और अगर आप फिर से मैं आपको वही बोलूंगा कि आपको इसको डायग्राम को दो बार करके बताना पड़ेगा, एक बार इस तरह बताना पड़ेगा ये नहीं रहेगा, उसके बाद एक बार आपको जब बताना पड़ेगा एरो का बता के जिसमें से ये नहीं रहेगा, ये इतने शेल रहेंगे और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ये भी रहेगा स्टूडेंट्स, इस तरह आपको बताना है। तो एक लास्ट आयोनिक कंपाउंड हम देखते हैं जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके बाद फिर हम आयोनिक बॉन्ड खत्म करेंगे स्टूडेंट्स, फिर हम कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम कैल्शियम ऑक्साइड देखते हैं स्टूडेंट्स। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जो दो एलिमेंट है वो एक कैल्शियम है और एक ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपको 20 मिल रहा है, तो हम लिखते हैं Ca और वो हो जाएगा 20 एटॉमिक नंबर, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको मिलेगा 8, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए हम लिखते हैं 8। फिर हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वापिस से 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर थर्ड वाले में भी 8 आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने प्रीवियसली ये चीज को समझा था, तो थर्ड वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। और फिर कितना बचता है स्टूडेंट्स, 8 और 2 10 और 8 18 और यहाँ पे 20 है, 2 बचेगा स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो फर्स्ट वाले मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं। सेकेंड में 8 कैसे आ जाएगा, बिकॉज 8 ही है टोटल, तो 2 तो ऑलरेडी यूज हो गया, तो 6 आएगा स्टूडेंट्स। सेकेंड वाले में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6 आ गया स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब अगर वैलेंसी चेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इसीलिए इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी स्टूडेंट्स, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और जब भी 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स, लेने की कोशिश करता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन ये लेगा कि इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी भी वैलेंसी 2 है और इसकी भी वैलेंसी 2 है, डोनेट करने में 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इसके लिए 2 वैलेंसी, एक्सेप्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, इसके लिए वापिस से 2 वैलेंसी। तो अब ये क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
ऑक्सीजन को दे देगा, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये 2 और 8 हो जाएगा और ये 2 8 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इस तरह ये दोनों का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे स्टडी करते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को लेके। तो सिंस इसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स जो प्लस चार्ज रहेंगे वो कितने रहेंगे, 20। और सिंस इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके सेंटर में प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले 8। तो जिसका मतलब है कि 20 पॉजिटिव चार्ज सेंटर में और 20 नेगेटिव चार्जेस ऑर्बिट्स में। लेकिन जैसे दो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा स्टूडेंट्स, दो माइनस चार्ज चला जाएगा, तो 20 की जगह पे फिर बचेगा 18 माइनस चार्ज, और 18 माइनस चार्ज क्या करेगा, 18 पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, 18 माइनस चार्ज को बैलेंस करेगा, तो दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा बचेगा स्टूडेंट्स। समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स आप कि 20 पॉजिटिव चार्ज सेंटर में था, 20 नेगेटिव चार्जेस आउटसाइड था, तो दोनों बैलेंस था क्योंकि 20 माइनस ने 20 प्लस को बैलेंस करके रखा था। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है स्टूडेंट्स, तो दो माइनस चार्ज कम हो जाएंगे तो 18 बचेंगे, तो 18 अगर माइनस चार्ज बचेंगे तो 18 प्लस के साथ बैलेंस रहेंगे, तो दो प्लस एक्स्ट्रा बचेगा, और इसीलिए CA क्या हो जाता है, कैल्शियम 2 प्लस हो जाता है स्टूडेंट्स, दो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और एट द सेम टाइम में ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है कि पहले 8 पॉजिटिव चार्ज था उसके अंदर, और ऑर्बिट में भी टोटल 8 नेगेटिव चार्ज भी थे, तो 8 पॉजिटिव ने 8 नेगेटिव को बैलेंस किया। लेकिन जैसे दो माइनस चार्ज और आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो 10 नेगेटिव चार्जेस हो जाते टोटल, तो 8 माइनस 8 माइनस को बैलेंस करेगा, तो 2 माइनस एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट्स, और इसीलिए ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, 2 माइनस, और इसीलिए इस कंपाउंड को हम Ca2+ और O2- लिखते हैं स्टूडेंट्स। और फिर इन दोनों के बीच में फिर से अपोजिट चार्ज होने की वजह से दो दो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसको हम एक आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और जिसके वजह से ये दोनों एकदम एक दूसरे को होल्ड कर लेते हैं, स्ट्रिक्ट एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से हम लोग एक दूसरे को पकड़ लेते हैं स्टूडेंट्स। और इस कंपाउंड को भी हम बोल देंगे आयोनिक कंपाउंड, बिकॉज ये आयोनिक बॉन्ड से बना है, या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आयोनिक बॉन्ड को खत्म किया, अब हम कोवेलेंट बॉन्ड समझेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है वो देखते हैं। अब हमने आयोनिक बॉन्ड तो सीखा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा स्टूडेंट्स। दोनों में डिफरेंस यही है स्टूडेंट्स कि आयोनिक बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो कोई एक एटम क्या करता है, किसी एक दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और सेम टाइम में हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि दूसरा जो एटम है उसने किसी पहले वाले एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो डोनेशन और एक्सेप्टेंस जो होता है ना, इससे जो बॉन्ड बनता है उसको आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन जब भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो आप सिर्फ एक चीज समझिए कि यहाँ पे किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, किसी ने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, बल्कि दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया स्टूडेंट्स, सिर्फ शेयरिंग किया, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स वहां पे रहेंगे, किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन्स दिया नहीं है। तो ऐसे में जो बॉन्ड बनता है उसका सिर्फ नाम है कोवेलेंट बॉन्ड, और सिर्फ एक नाम चेंज किया है जिससे ये पहचान हो जाए कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, और जब हम आयोनिक बॉन्ड किसी को बोलेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि किसी एक एटम ने किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और दूसरे एटम में उसके पहले वाले एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो दूसरी बात यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड में जो कंपाउंड्स रहते हैं, जो एलिमेंट्स रहते हैं, दोनों की हालत एक जैसी रहती है स्टूडेंट्स, मतलब दोनों के प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं, हम बोल सकते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं दोनों की, दोनों की एक ही हालत है, दोनों का कहानी एक ही होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते, ये उसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है और वो इससे इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, ऐसी हालत में शेयर करते। दोनों का हालत सेम होने का मतलब है दोनों की लगभग प्रॉपर्टी क्या रहती है, सिमिलर प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, दोनों का कहानी एक ही होता है, तो ये लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और शेयर करने से जो भी बॉन्ड बनता है, जो भी अट्रैक्शन बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड स्टूडेंट्स। तो इसमें जो हम मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं वो एक हाइड्रोजन का है जिसका फॉर्मूला है H2, फिर एक है वाटर मॉलिक्यूल जिसको बोलेंगे H2O, और एक है HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको बोलेंगे HCl। तो इस तीन चीजों को हम पढ़ेंगे जहां पे हम देखेंगे कि किस तरह ये एटम्स जो हैं आपस में, ये एलिमेंट्स जो हैं आपस में
इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट यूज हुआ वो हाइड्रोजन स्टूडेंट्स, और टू लिखा मतलब दो हाइड्रोजन रहेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा हमने इसके लिए और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा इसके लिए। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? वन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो सकता है स्टूडेंट? सिर्फ वन ही लिखना पड़ेगा, और इसीलिए इसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है, एक ही शेल होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी कि इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए, सिंस ये एक ही इलेक्ट्रॉन सॉरी सिंस ये एक ही शेल है तो इसके अंदर आठ, सिंस ये पहला शेल है स्टूडेंट्स, पहला के शेल है, के शेल, और हमको पता है कि के शेल की जो कैपेसिटी है वो टू है स्टूडेंट्स। उसको दो इलेक्ट्रॉन कम से कम उसके पास होना चाहिए, और जिसके से हम बोल सकते हैं वो डुप्लेट फॉर्म करता है स्टूडेंट्स, डुप्लेट। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, और यही हालत इसकी भी हो रही है यहाँ पे, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता स्टूडेंट्स इसको, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं कर सकता और ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं सकता, तो इन दोनों में क्या समझौता है स्टूडेंट्स? लोग क्या आपस में लोग फिक्स क्या करते हैं? ये लोग देखिए इस तरह फिक्स करते हैं, ये लोग स्टूडेंट्स दोनों इस तरह करते, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, इस हाइड्रोजन का एटम सपोज ये है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सपोज ये है, और इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन सपोज ये है, तो इसके अंदर अब दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और वही टाइम में इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई चार इलेक्ट्रॉन नहीं स्टूडेंट्स है, तो दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दोनों ने क्या किया है? शेयर किया है स्टूडेंट्स, और शेयरिंग करने में जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। और स्टूडेंट्स ये बॉन्ड जो होता है ये वीक होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड जिस भी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स पे बनते हैं वो मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन उनमें जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड बहुत वीक होते हैं स्टूडेंट्स। अब इसको हम बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसीलिए इसका नाम हो जाएगा कोवेलेंट कंपाउंड, और इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं एक चीज और कि इसमें एक बॉन्ड बना है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बना है, इसमें इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं H2O, और आपको एक बार डेफिनेशन अगर बताऊं कोवेलेंट बॉन्ड का क्या है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन वही है कि जब एटम्स क्या करते हैं एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और शेयर करने पे जो बॉन्ड बन जाता है उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बस एक नाम है स्टूडेंट्स कि शेयरिंग में जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम हो जाएगा कोवेलेंट, और गिव एंड टेक में जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम बन जाएगा आयोनिक बॉन्ड। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट होता है, सेकेंड वाला देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिये H2O में जो एलिमेंट्स है वो एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन के दो एटम्स है स्टूडेंट्स। तो दो हाइड्रोजन, एक सपोज यहाँ पे लिखा है उसका एटॉमिक नंबर वन, और एक यहाँ पे लिखा है उसका भी एटॉमिक नंबर वन हो गया स्टूडेंट्स। और एक ऑक्सीजन है उसको यहाँ पे लिखा है और उसका एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट्स? एटॉमिक नंबर उसका एट है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? वन है तो इसके एक शेल रहेंगे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक शेल रहेगा उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाँ एट होने की वजह से फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन आएगा स्टूडेंट्स, टू इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फिर बचेगा सिक्स इलेक्ट्रॉन और एट होने के लिए, जिसको इसका मतलब है कि इसको दो शेल की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो के शेल के बाद एक शेल और आ जाएगा जिसका नाम एल शेल रहेगा, तो हम वो ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको एक शेल और रहेगा जिसके अंदर सिक्स इलेक्ट्रॉन रहेंगे स्टूडेंट्स, वन टू थ्री फोर फाइव, और सपोज यहाँ पे आ गया सिक्स, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता स्टूडेंट्स, एक्सचेंज नहीं कर सकता, और एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिक्स इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वैलेंसी यहाँ पे क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? टू हो जाती है, क्योंकि इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम आते हैं तो इनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है, और उसके बाद फिर क्या बन जाता है? H2 मॉलिक्यूल, और ये आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ स्टूडेंट्स। तो इस तरह बनता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ये है, सॉरी इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ये है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ये है,
उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये एक और ये एक अगर छोड़ोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अगर एक ऑर्बिट को आप अगर काउंट करोगे टोटल तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया टोटल, और इसके एक ऑर्बिट को अगर टोटल काउंट करोगे तो 1 और 2, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, इसको अगर काउंट करोगे तो 1 और 2, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो हर एक ऑर्बिट में इसको 2 डुप्लेट फॉर्म करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट्स, इसको डुप्लेट फॉर्म करना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसको ऑक्टेट फॉर्म करना है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, शेयर करके कंपाउंड बनाए, और इसीलिए इस बॉन्ड जो ये बॉन्ड बना है जिससे लोग अट्रैक्ट हुए, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड स्टूडेंट्स। तो एक लास्ट बचता स्टूडेंट्स HCl, फिर इसको देखते हैं। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl में जो दो एलिमेंट्स है वो एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन के लिए लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर 1 और यहाँ पे क्लोरीन के लिए एटॉमिक नंबर लिख देते हैं 17 स्टूडेंट्स। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे हमने 2 ड्रॉ कर दिया, सेकेंड वाले में 8 आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने 8 ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे हमने 8 ड्रॉ कर लिया, और फिर 8 और 2, 10 होता है, 17 है, तो 7 बचता है, तो थर्ड वाले में कितना जाएगा स्टूडेंट्स, 7 आ जाएगा। तो अब देखिए कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं यहाँ पे। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर इसका सामना स्टूडेंट सोडियम से नहीं हुआ है। अगर सोडियम के पास होता था, ये सोडियम के पास गया होता अगर क्लोरीन, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता था, लेकिन ये आया है हाइड्रोजन के पास और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं सकता स्टूडेंट्स, और इस वजह से ये लोग शेयरिंग करके इस तरीके का कंपाउंड बनाते स्टूडेंट्स, तो ऐसा कंपाउंड फॉर्म करते स्टूडेंट्स। अब अगर इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखोगे तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, 1, 2, तो ये डुप्लेट फॉर्म किया, और अगर इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखोगे स्टूडेंट्स तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स, तो दोनों भी बैलेंस हो गए स्टूडेंट्स, लेकिन किसी दोनों भी स्टेबल हो गए स्टूडेंट्स, लेकिन किसी ने किसी को डोनेट या एक्सेप्ट किसी ने नहीं किया, किसी ने किसी को डोनेट नहीं किया, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। तो ऐसे बॉन्ड को हमने देखा था, उसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेसन पूरा खत्म होता है, अगर आपको और भी कोई लेसन चाहिए तो प्लीज आप कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है स्टूडेंट्स तो प्लीज शेयर करिए, लोगों को सब्सक्राइब करने बोलिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सो दैट मैं आपके लिए काफी वीडियोस अपलोड कर दूं स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।